नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की और आप देख रहे हैं टेक्निकल विक्की जॉन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा MIUI 9.5 ग्लोबल स्टेबल रोम के अपडेट के बारे में और उसमें क्या क्या कुछ चेंज होने वाला है और क्या क्या नए फीचर्स आपको मिलने वाले हैं उसकी। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इसका कि क्या क्या नए फीचर्स हमें मिलेंगे और कैसे हम इन्हें यूज में ले सकते हैं। दोस्तों पहला फीचर्स है फेवरेट फोल्डर का, तो आप किसी भी फोल्डर को फेवरेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फोल्डर में आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है टैब करके। उसके बाद आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, उस पर टाइप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर ऐड टू फेवरेट का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे एक हार्ट का निशान आ गया है और आप इसे फेवरेट कर चुके हैं। दोस्तों इसके बाद आप बैक आ जाइए और फिर से फाइल मैनेजर को ओपन करिए और ऊपर तीन लाइनों पर क्लिक करिए। और दोस्तों आप यहाँ पर पाएंगे कि एक ऑप्शन है फेवरेट्स का, उस पर आपको क्लिक करना है और आप देखेंगे कि जो व्हाट्सएप आपका फेवरेट फोल्डर में ऐड हो चुका है। और दोस्तों यदि आपको इसको रिमूव करना है तो इसको आप यहाँ से टैप करिए और नीचे रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और ये रिमूव हो जाएगा आसानी से। तो दोस्तों ये था पहला अपडेट। दूसरे अपडेट की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाला है न्यू नोटिफिकेशन सेट। तो आपको दिखा देता हूँ उसका भी एक सैम्पल कि कैसा ये न्यू नोटिफिकेशन सेट आपको दिखने वाला है। तो दोस्तों आपको मल्टीप्लाई स्टाइल्स में ये नोटिफिकेशन मिलेंगे यहाँ पे। जैसे थीम्स का है तो वो अलग मिलेगा, व्हाट्सअप का है वो अलग मिलेगा, और कोई फेसबुक का नोटिफिकेशन है वो आपको अलग मिलेगा। तो सब की स्टाइल अलग अलग यहाँ पे हमको मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे आपको बुंडिंग नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, और जैसे व्हाट्सएप के कितने मैसेज आए हुए हैं वो आपको अलग से यहाँ पे शो करने वाला है। और दोस्तों एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे क्विक रिप्लाईज का भी मिलने वाला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्विक रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था न्यू नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन जो आपको अपडेट के बाद मिल जाएगा। और दोस्तों अगला अपडेट मिलेगा आपको स्क्रीन रिकॉर्डर में, जहाँ से आप अब साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर में, और वो उसकी सेटिंग में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको खोलना है अपने स्क्रीन रिकॉर्डर और ऊपर सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और आप पाएंगे आपकी आपसे कि साउंड सोर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, और वहाँ से आप स्पीकर, माइक और म्यूट के तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, और इसे आप अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों अगला अपडेट मिला है मी ब्राउज़र को। मी ब्राउज़र में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, जो सर्च का ऑप्शन है क्विक सर्च का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और आप यहाँ से डायरेक्ट आसानी से सर्च कर पाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ लिखेंगे FA, तो ये ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन हमें दे देगा कि आप हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे facebook.com, fastcompany.com, fao.org, काफ़ी कुछ ये हमें ऑटोमेटिक सर्च करके दे देगा। तो काफ़ी अच्छा अपडेट मिला है मी ब्राउज़र को। और दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ टॉप साइट्स भी देखने को मिल जाती हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टॉप साइट्स आ गई हैं जो टॉप की हैं, और ये रिकमेंडेशन है हमारे लिए, और आप इनको यहाँ से हटा भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं आसानी से, और रिस्टोर भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको न्यूज़ फीड भी अलग से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा अपडेट मिला है मी ब्राउज़र को। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वो निकल के आया है मी मूवर या मी ड्रॉप, जिसे हम बोल सकते हैं, दोनों का नाम चेंज करके मी ड्रॉप कर दिया गया है। तो दोस्तों मी ड्रॉप में आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे नया आइकॉन मिल जाएगा मी ड्रॉप का, और काफ़ी कुछ चेंज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं सेंड रिसीव का ऑप्शन मिल जाता है एक्सजेंडर की तरह, और शेयर MI ड्रॉप टू योर फ्रेंड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इमेज, वीडियोज़, म्यूजिक, एप्स, फाइल्स अब डायरेक्ट भेज सकते हैं आप, और किसी इंडिविजुअल फाइल या फोल्डर को भी आप आसानी से भेज सकते हैं। यहाँ पे तीन बिंदुओं पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको कनेक्ट टू कंप्यूटर, लैंग्वेज, निक नेम, प्राइवेसी पॉलिसी, यूजर एग्रीमेंट, रेट MI ड्रॉप, फीडबैक वर्जन जैसे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों एक नया अपडेट और मिला है यहाँ पे MI ड्रॉप को। पहले क्या होता था, जब हम कोई फाइल भेजते थे और वो बीच में इंटरप्ट हो जाती थी और हम फिर से भेजते थे, वो फिर से स्टार्टिंग से फाइल सेंड होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जहाँ से वो इंटरप्ट हुई थी वहीं से रिज्यूम फाइल हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा अपडेट मिला है MI ड्रॉप को। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वो है हॉटस्पॉट से रिलेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको जाना अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, और आप खोलेंगे यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट को, और यहाँ पे आपको मिलेगी नई सेटिंग वन टाइम डाटा लिमिट की, और ये आप यहाँ से अपने वन टाइम डाटा लिमिट को ऑन कर दीजिए और इसकी साइज़ को सेलेक्ट कर लीजिए, 50 MB, 100 MB, कितनी आप अपने पोर्टेबल हॉटस्पॉट में यूज़ लेना चाहते हैं। और जैसे ही वो
50 एमबी की साइज़ यूज़ में ले ली जाएगी, तब आपके पास दो ऑप्शन है, टर्न ऑफ़ एंड नोटिफाई का ऑटोमेटिक ऑप्शन है यहाँ पे कि जब जैसे ही 50 एमबी यूज़ हो जाएगा ये ऑफ़ हो जाएगी और आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर आप चाहते हैं कि आपको ओनली नोटिफिकेशन मिले जब 50 एमबी यूज़ हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है वन टाइम डाटा लिमिट का। और एक नया ऑप्शन यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस का आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ से लिमिट कर सकते हैं डिवाइस की संख्या कनेक्ट होने की, और आपको ब्लॉक लिस्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जा सकता है, किसी भी आपको किसी को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं यहाँ पे जो आपके वाईफाई से यहाँ पे हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा अपडेट मिला है पर्सनल हॉटस्पॉट को। और अगले अपडेट की बात करें तो दोस्तों ऐप लॉक की बात करेंगे हम, ऐप लॉक में काफ़ी अच्छा सुधार किया गया है, आप देखेंगे ऐप लॉक में यहाँ पे फिंगर का निशान आ गया है और ऊपर व्हाट्सअप का है और नीचे काफ़ी अच्छा चेंज यहाँ पे कर दिया गया है लॉक स्क्रीन को, तो काफ़ी अच्छा चेंज हुआ है ऐप लॉक में भी यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों अगला अपडेट है फुल स्क्रीन गेस्चर का जो मिला है मीमिक्स 2 को, क्योंकि वो 89 रेशो सपोर्ट करता है इसलिए ये अपडेट है मीमिक्स 2 के लिए। दोस्तों अगला अपडेट मिलता है क्विक डायल का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जाना है अपने कॉल लोगों में और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एक को, और तो मैंने एक को सिलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे लिखा है मिसिंग वॉइस मेल नंबर नो वॉइस मेल ओके, और जैसे आप दो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको क्विक डायल का, और आप यहाँ से येस पे क्लिक कर दो और जिसको भी आपको कॉल करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया राहुल मीना 2, अब मैं जैसे 2 पे डायल करूँगा तो ऑटोमेटिक कॉल राहुल 1 के पास चली जाएगी, तो काफ़ी अच्छा अपडेट मिला है यहाँ पे क्विक डायल का हमें कॉल लोगों में। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वो मिलता है ग्रुप मोड में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों अब क्या है कि आप जैसे आप दो फिंगर यहाँ पे रखोगे स्क्रीन पे और उसको स्क्रीन पे रखने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आप किसी भी दो ऐप को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने क्रिक बज और भीम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि नया फोल्डर ऑटोमेटिक बन चुका है और आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं फोल्डर का रख के कुछ भी, जैसे आप लिख सकते हैं माई और इसे सेव कर सकते हैं, तो ये नया फोल्डर आपको मिल जाता है ग्रुप का। तो बहुत अच्छा अपडेट मिला है ये एक कि आप ग्रुप मोड यूज़ में ले सकते हैं अपने होम स्क्रीन पे। दोस्तों अगले अपडेट की बात करें तो वो है म्यूजिक प्लेयर की, म्यूजिक प्लेयर को काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं म्यूजिक प्लेयर का इंटरफेस काफ़ी अच्छा चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये है म्यूजिक प्लेयर जिसे भी यहाँ पे अच्छा इंटरफेस यहाँ पे दे दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट MIUI 9.5 ग्लोबल स्टेबल रोम की, और ये जो अपडेट है अभी तक Redmi Note 4 और Redmi 3S प्राइम यूजर्स को मिल चुका है और काफ़ी यूजर्स को मिलना बाकी है। और दोस्तों ये जो अपडेट है ये लास्ट अपडेट माना जा रहा है MIUI 9 का, और इसके बाद आपको डायरेक्ट मिलेगा MIUI 10। तो दोस्तों इस अपडेट में आपको कुछ लेट भी हो सकता है, और जो इसकी डाउनलोडिंग लिंक है Redmi Note 4 की और Redmi 3S की आ चुकी है यहाँ पे, और स्मार्टफोन्स की आना बाकी है। अपडेट शेड्यूल की बात करें तो दोस्तों जो लेट मार्च है, मार्च के महीने में जिन स्मार्टफोन को अपडेट मिलने वाला है वो है Redmi Note 3, Redmi Note 4। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों लेट मार्च में बात करें तो Redmi Note 3, Redmi Note 4, Mi Max, Max Prime, Redmi 3S, Redmi 4, Redmi 4A को डिवाइस को अपडेट मिल जाएगा। अर्ली अप्रैल की बात करें तो Redmi Y1 Lite, Redmi 5 है, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Mi Mix 2, Mi 5, Mi Mix 2 को मिलेगा, और मिड अप्रैल में